नमस्कार, जनमत की पुकार में आप सबका स्वागत है। दिल्ली की रामपुरा वार्ड के इंदिरा कॉलोनी स्थित शिव मंदिर में मंगलवार को महाशिवरात्रि के अवसर पर शिवजी की बारात और कलश यात्रा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य कार्यक्रम सामाजिक संस्था नई सोच नई खोज द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया। कलश यात्रा व शिव विवाह की झांकी ने भक्तों को भाव विभोर कर दिया। चारों ओर भगवान शिव के जयकारे गूंज रहे थे। कार्यक्रम के दौरान शिव संगीत और नृत्य ने भी भक्तों व श्रद्धालुओं को आकर्षित किया। इंदिरा कॉलोनी शिव मंदिर परिसर से नई सोच नई खोज संस्था द्वारा महाशिवरात्रि के अवसर पर कलश यात्रा एवं भव्य शिव बारात की झांकी निकाली गई। कलश यात्रा में 500 से अधिक महादेव के भक्तों ने भाग लिया और भोले शंकर का आशीर्वाद प्राप्त किया। शिव विवाह उत्सव को लेकर निकाली गई इस भव्य व आकर्षक झांकी जुलूस में भगवान भोलेनाथ, विष्णु, ब्रह्मा, नारद सहित भूत पिशाच गण आदि के प्रतिरूप लोगों के आकर्षण का केंद्र बने रहे। हर हर महादेव के जय घोष से वातावरण गूंज रहा था। शिव भक्तों का उल्लास व उत्साह देखते बनता था। रोहतक रोड इंदिरा कॉलोनी से निकाली गई शिव विवाह की झांकी रामपुरा वार्ड के विभिन्न इलाकों की यात्रा पूरी कर मंदिर परिसर स्थित शिव विवाह मंडप में पहुंची, जहां स्थानीय लोगों द्वारा वैदिक रीत रिवाज के अनुसार झांकी का भव्य स्वागत किया गया। न्यूज और मैं भी मौजूद हूं इंदिरा कॉलोनी झुग्गी कैंप में। पूरे देश में महाशिवरात्रि को लेकर जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जगह जगह शिव बारात निकाले जा रहे हैं। इंदिरा कॉलोनी में भी झुग्गी कैंप में शिव बारात निकाली गई, झांकियां निकाली जा रही है। बिल्कुल, आज मैं सबसे पहले शिवरात्रि की सभी को शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। और आज शिव विवाह का आयोजन किया गया है। ये प्रोग्राम हमारा सिर्फ कल ही बना है कि हम यहाँ पर प्रोग्राम करें करते तो हम बहुत 4 साल हो गए हैं इन झुग्गियों में। हम काफ़ी देर से काम कर रहे हैं और दिल से जुड़ के काम कर रहे हैं। जो भी इनकी समस्या है उसको सारा समाधान करते हैं, चाहे वो कोरोना पीरियड्स में हो, चाहे उससे पहले हो, बच्चों के लिए हों, लेडीज़ के लिए हों। हम इस कॉलोनी में लगातार काम कर ही रहे हैं। समस्याएँ क्या क्या हैं झुग्गियों में जब आती हैं? देखो, सबसे बड़ी समस्या है स्वास्थ्य और सफाई का, और यहाँ पर बिल्कुल भी सफाई नहीं है। बिल्कुल इतना गंद है और पैदल चलने में भी हम लोगों को ऐसा हो रहा था, ये लोग जो रहती हैं जो यहाँ पर, वो कैसा महसूस कर रहे होंगे मुझे नहीं समझ आई। हम भी 5 साल हो गए इन झुग्गियों पे कि भाई हम इसको भी ठीक करवा सकें, पर कोई ऐसा हमें मिला नहीं। और हम सोचते हैं कि अपने हाथों से ही इनके साथ मिलकर साफ करें तभी विकास होगा। आपको पार्टी मौका देगी, चुनाव लड़ेंगे और ये समस्याएं को दूर भी कर देंगे। यदि मुझे कोई पार्टी मौका देती है और मैं आगे बढ़ के इनका सबसे पहले इस कॉलोनी का सुधार करूं, और बाकी जो होगा वो प्रभु, आज भोले शंकर बाबा का दिन है, उनकी कृपा हुई तो सब काम अच्छे होंगे। बहुत बढ़िया। हमारे साथ बात कर रही थी नई सोच नई खोज NGO की प्रेसिडेंट गीतांजलि शर्मा जी। बहुत ही अच्छा प्रयास है, मेरे ख्याल से पहली बार ऐसा हुआ है महाशिवरात्रि के पर्व पे। जो गीतांजलि मैम की टीम है नई सोच नई खोज, इससे पहले भी कई वर्षों से अनेक काम कर रहे हैं, लेकिन ये जो अद्भुत नज़ारा, जसवाल जी आप लेट हो गए, लेकिन ये अद्भुत नज़ारा अगर देखे होंगे तो कम से कम 500 लोगों ने मिलकर कलश यात्रा प्रारंभ किया था हमारे नगर से, और पूरे नगर का घूम के फिर यहाँ पर शिव विवाह हुआ है और शिव झांकियाँ। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ अंजलि मैम, उनके गीतांजलि मैम, उनकी पूरी टीम का। हाँ जी, कहाँ कहाँ ये शिवरात निकाली गई? आज इंदिरा कॉलोनी में आप खड़े हैं, जहाँ की पूरी कॉलोनी के अंदर एक एक गली के अंदर ये शिव बारात निकली है कलश यात्रा। और यहाँ पे क्या क्या कार्यक्रम है? कार्यक्रम में जी शिव पूजा मंदिर के अंदर जो हमारी पूजन हुई है, जो पूरा मुहूर्त के हिसाब से काम किया गया है और विधि विधान के साथ, उसके साथ ही हमने कलश यात्रा का जो 101 कलश यात्रा हमने रखी थी वो पूरी संपूर्णता जो हुई है भगवान जी के आशीर्वाद से बहुत अच्छी हुई है भोलेनाथ की कृपा से। मेरा सूरपुर गांव से जी, हम ये हमारे अपने भाई हैं सारे साथ में, नई खोज और नई संस्था के उसमें हमने यहाँ साथ साथ खड़े हुए हैं, अपने साथ यहाँ पर आगे कुछ करना चाहते हैं यहाँ पर आगे हम। और कुछ कोरोना टाइम पर हमने जो जो करा हमने हमें पता है हमने क्या करा अपने यहाँ के लिए, आदमियों के लिए, और आगे भी करते रहेंगे ऐसे कुछ ना कुछ। नहीं संस्था काम कर, संस्था कैसी काम कर रही है संस्था जी? ऐसी
बढ़ चल के बात कर रही है बच्चों पढ़ाई के लिए, यहाँ के कार्य के लिए। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।